ये इतनी स्पीड से जाते हो तो नहीं, बड़ी होटल है वो तो खाना है तो वो गुजराती बोलते हैं ना वो ये होटल बड़ी है। अच्छा जन तो ये बड़ी स्कूल दिखाई दे रही है। 100 तो बसे है, चार बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, 6,000 400 टीचर्स है। यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी स्कूल 10 गुजरात का प्रीमियम इलाका है। सब लोग यहाँ पे अमेरिका में सब लोग। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दो दिन पहले पहुंच गई थी वडोदरा, प्रेस भी मिल गया और अच्छे से सुबह सुबह निकल गई हूँ केवड़िया के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। एक मुसीबत आ गई है, पीछे वाले साइकिल का जो टायर है उसमें मैं हवा भरवाने गई तो पता चला कि वॉल्व खराब हो गया, खींचनी पड़ रही है साइकिल। रिपेयर शॉप भी है तो लगभग वो 6 किलोमीटर दिखा रहा है। खींच रही हूँ साइकिल, हवा बार बार निकल रही है उसमें से। साइकिल का वॉल्व होगा क्या, ट्यूब का पंचर नहीं है, वॉल्व से हवा निकल रही है। आपके पास नहीं है तो कहाँ मिलेगा आगे। यहाँ पे किसी के पास भी वॉल्व नहीं है क्योंकि सारी बाइक शॉप्स हैं, साइकिल की शॉप एक भी नहीं है। और शहर में जाना पड़ेगा साइकिल शॉप के लिए, तो मैंने सारा सामान अपना निकाल दिया है साइकिल से और ट्यूब ही चेंज कर ली थी, वो बेस्ट ऑप्शन है। तो अब लगते हैं काम के लिए, मजदूरी काम करना है यार। एयर प्रेशर डाल रहा हाँ, भी पिन मैंने ठीक करा लिया है, 2 पिन एक्स्ट्रा भी खरीद लिए हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ा बट यार 20 रुपए का एक पिन दिया, वैसे 15 रुपए का आता है। टूल भी दे दिया, मूव कर सकती हूँ और लगा सकती हूँ, थोड़ा मैं बता नहीं पाई उन्हें, मुझे पहले बोल देती तो वॉल्व बोल रही थी, वॉल्व मेरे पास कहाँ से आएगा साइकिल का। चलो फिलहाल काम हो गया है और मैं दोबारा अपनी आगे यात्रा के लिए निकल चुकी हूँ। खाना खाने के लिए आज बड़ी ही छोटी सी जगह पे रुकी हूँ, मेरा मूड नहीं था ना दाल चावल ना रोटी सब्जी, तो कर रहा था कि समोसा या फिर पैटीज खा लो यार, वो बहुत टेम्प्ट कर रहा है मुझे बहुत दिनों से। और इसमें देखा कि मिसल पाव मिल रही है, मैंने कहा यार हो गए 80 दिन हो गए मुझे आज और मिसल पाव मैंने बहुत दिनों से खाई नहीं है, मैंने कहा थोड़ा सा पक गई हूँ कुछ और डिफरेंट नहीं मिल रहा है। 40 रुपीज़ में 4 पाव और मिसल नहीं है, मिसल का सेव पाव है। लगभग अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी 11 किलोमीटर दिखा रहा है और एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। कल मैं जिस डेट पे पहुंच रही हूँ वो बहुत बड़ा दिन है अपने देश के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस दिन ये तारीख को स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है विजिट करूंगी। एक्साइटमेंट कभी नहीं हुई है मुझे, दुनिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है, मैं वहां जा रही हूँ, ये ओनली 11 किलोमीटर्स टू गो। शाम होती है नहीं कि मुझे ना तलब लगने लग जाती है चाय की, यार और किस चीज की लगेगी, बहुत ज्यादा मन कर रहा है चाय पी लूं। वैसे तो बहुत सारी दुकानें हैं बट मैं सोच रही जब मैं पहुंच ही रही हूँ अपनी जगह पे जहाँ मुझे स्टे करना है तो वहीं चाय पी लूंगी यार, गर्मा गर्म कुछ भी करके चाय चाहिए चाय चाहिए चाय चाहिए, रट्टा मार रखा मेरे मन ने। चाय ना हम जैसे साइकिलिस्ट वालों के लिए फ्यूल है, एनर्जी निकालते हैं ना बॉडी से, ऐसा लगता है बस चाय पी और बस हम लोग जो है धूम मचाले कर लेते हैं साइकिल पे बैठ के। चाय के बिना तो साइकिलिंग अधूरी है, चाय तो मेरी जिंदगी है, चाय मेरी जान है यार, मेरी जान है चाय। यहाँ से शुरू होता है एकता द्वार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं कल शाम को ही पहुंच गई थी केवड़िया और जिनके मैंने स्टे किया था क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप हमारा वीडियो मत निकालो, पूछ के ही वीडियो निकालना चाहिए किसी का भी। तो उन्होंने मुझे पूरा मैप बताया कि केवड़िया में कहाँ कहाँ घूम सकते हो और मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज थी यार कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए। अदरवाइज सुबह सुबह तो मैं यहाँ से निकल ही रही थी कि अब स्टैचू ऑफ यूनिटी देखूंगी और फिर निकल जाऊंगी भरूच के लिए, तो
तो सबसे पहले मैं आई हूँ आरोग्य वन। मुझे लगा था कि एंट्री प्राइस फ्री है, बट टिकट प्राइस 50 रुपीज़ है, अगर गाड़ी से जाना है तो 150 रुपीज़ है। ये है गार्डन ऑफ कलर्स, तो अलग अलग शेड्स की इन्होंने गार्डनिंग की है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के गार्डन्स हैं। ये इंडोर प्लांट सेक्शन है, तो खिल रही हूँ मैं। नाम एकदम ये हंसराज है, उसको हम बाथरूम प्लांट भी बोलते हैं। ज्यादा अच्छा। पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसे प्लांट है तो हम बाथरूम में भी लगा सकते हैं। और ये सोन चंपा है। अच्छा। और पीछे रात रानी है। अच्छा, इसमें खुशबू आएगी, फ्लावर्स है ना उसमें से आएगी। हाँ, अभी तो कम है ना। ये मधुकर्मिणी की। अच्छा, वो रजनीगंधा का प्लांट लगाया गया है नीचे जो। हाँ, लगे हुए हैं। उसकी जो पत्ते की स्मेल है आपको विक्स जैसा लगेगा, पत्ता तोड़ के खा भी सकते हो। तो खा सकते हो। अच्छा, ये तो नॉर्मल तुलसी है ना। नॉर्मल तुलसी है पर विक्स जैसा स्वाद आएगा। और ये बाग में गुलाब है। ये है लोटस पॉन्ड, और अभी तो खैर लोटस नहीं खिले हुए हैं, बट काफी सारे लीव्स हम देख सकते हैं कि लोटस पॉन्ड में हैं। ये एक एरियल व्यू बनाया है इन्होंने ह्यूमन बॉडी का, कौन कौन से प्लांट्स कौन कौन से ऑर्गन्स के लिए लाभदायक हैं वो इन्होंने बनाया है। तो ये तो मैं सिर्फ एरियल व्यू से देख सकती हूँ, जो इसका एरियल व्यू ये है, तो हम ऐसे तो नहीं देख सकते हैं, ऊपर ड्रोन से ही हम देख सकते हैं। तो अलग अलग जगह इन्होंने जो प्लांट्स उगाए हैं वो उस बॉडी के लिए कैसे लाभदायक है, तो ये हम धीरे धीरे देखते हुए चलते हैं पार्क में कि किस तरीके से है। जैसे पहले है हीना, लीव इन हेडेक एंड बर्निंग सोल्स ऑफ फीट, स्किन डिजीजेज, हेयर लॉस, रूमेटिज्म, वूंड्स, अल्सर्स एंड गोनोरिया। तो ये लाभदायक है हीना प्लांट के लिए। मतलब की बात करते हैं गार्लिक वाइन, तो ये किस लिए यूज होता है, आपको कफ है, कोल्ड है, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये पेड़ उसका है, ये पौधा उसका है। अब जैसे ये वाला है कपूर तुलसी, तो इसका यूज़ है जैसे स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, कुछ डायरिया हो रहा है, कफ कोल्ड अगेन, या मीजल्स है, तो उसके लिए भी ये काम आता है। अभी हमने प्लांट्स देखे, ये राइट हैंड के लिए यूज़फुल है, जैसे हमने अभी देखा होली बेसिल, गार्लिक वाइन, हीना, और ये सारी चीज़ें। सारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं जो उस बॉडी पार्ट के लिए यूजफुल है। ये हेड के लिए है बेसिल, बटरफ्लाई पी, एलोवेरा, होली बेसिल, चाइना रोज, ब्राह्मी। मैंने सोचा कि वर्थ इट है, जाना चाहिए, रिपब्लिक डे का शुभ अवसर भी है आज, और मैं उसी अवसर पे घूमने आई हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो केवड़िया गांव में है, गुजरात के राज्य में। इसके लिए मैंने टिकट भी ली है, विच इज़ 150 रुपीज़ को। अगर सिर्फ फीट तक जाना है तो 150 रुपीज़ पर पर्सन है, अगर आपको ऊपर तक चेस्ट तक जाना है तो उसका प्राइस है 1000 रुपीज़। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद मेरा अगला डेस्टिनेशन है जंगल सफारी, जो लगभग वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। तो मेरी मुलाकात भोलू भैया से हुई थी, ये टिकट काउंटर पे बैठते हैं, और अभी मैं पूरा घूम रही हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देंगे यहाँ पे कि किस टाइप की सफारी है और किसने टाइप की यहाँ पे। होल लाइफ मैंने पहली बार वाइट टाइगर देखा है। Shh, shh, shh.
जंगल सफारी के बाद मैं आई हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स और यहाँ की कोई टिकट प्राइस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आप आके बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, जितना मर्जी नेचर को एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स आपको नजर आएंगे, पर मोस्टली मुझे यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं रोजेस के ही बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे आई हूँ लाइटिंग शो देखने के लिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का है। तो 20 से 25 मिनट का लाइटिंग शो होता है, तो यहाँ पे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा है, म्यूजिक वगैरह भी है, बहुत अच्छे से शो होता है कहते हैं, तो अभी मैं वो एंजॉय करने बैठी हूँ। तभी बारडोली दिखाई दिया सरदार ने, संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने अधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा दीप भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने विश्व माइकल